हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही सिंपल डोरी से बहुत ही खूबसूरत स्लीव्स डिज़ाइन बनाकर बताऊंगी। तो ये देखिए, मैंने एक गत्ता लिया है, आप कोई भी गत्ता ले सकते हो। तो देखिए, इसमें इस तरीके से सुराख है। सुराख वाला गत्ता हमें लेना है, उसको छोटा सा कोना हम कट कर लेंगे। देखिए, ये हमारे यूज़ में आएगा। तो ये देखिए, मैं आपको बताती हूँ, इसमें हमने 3 सुराख कट किए हैं। हम थोड़ा इसको छोटा कर लेंगे इस तरीके से। देखिए, मैंने कट कर लिया है, एक छोटा सा हिस्सा मैंने लिया है, इसमें हमारे 3 सुराख हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, हमें साइड वाले जो सुराख हैं, जो मशीन का हमारा ये पैर है, इसमें इस तरीके से इसको लगाना है। बीच वाले सुराख से हमारी डोरी जाएगी। ये देखिए, हमने इसमें इस तरीके से इसमें अटैच कर लिया है। जो एक्स्ट्रा है उसकी हम कटिंग कर देंगे। ये मैंने डोरी ली है फ्रेंड्स, ये नॉर्मल डोरी है, जो हम रील धागे खरीदते हैं उसी दुकान पर ये डोरी आपको मिल जाएगी। तो बीच वाले सुराख से इस तरीके से कील की मदद से मैंने ये डोरी को डालना है। इस तरीके से ये देखिए, मैंने डोरी को डाल लिया है। डोरी को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। और ये नॉर्मल मशीन है, जिस मशीन से हम लोग सिलाई करते हैं, उसमें हमने जैसे धागा डालना होता है, इस तरीके से डाल लेंगे। ये मैंने एक कागज़ का टुकड़ा लिया है, इसकी लंबाई है 12 इंच और चौड़ाई है इसकी 3 इंच। और यहाँ पर देखिए, मैंने 3.5 इंच पर फोल्ड करने के बाद निशान लगा लिया है। 1 इंच इसकी, 1.5 इंच इसकी चौड़ाई है और 1 इंच इसकी लंबाई है। इसको हम इस तरीके से गोलाई में कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए, मैंने इसको एक साइड से कटिंग किया है। कटिंग करने के बाद ये इस तरीके से दिख रहा है। और देखिए, एक हिस्सा और मैं कटिंग करूँगी। ये मैंने 1 इंच की चौड़ाई और 1 इंच की इसकी लंबाई ली है। ये मैंने एक पेपर लिया है और यहाँ पर मैं इसका पत्ती को बना रही हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर हम निशान लगाकर इसकी पत्ती को इस तरीके से बना लेंगे और इसकी हम देखिए इस तरीके से गोलाई कर देंगे। तो अब इसको हमें यहाँ पर चौक से इस पर डिज़ाइन बनाना है पेपर पर। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मैं इसमें गोल पत्ती वाला डिज़ाइन बना रही हूँ, यानी फूल बना रही हूँ। आप कोई और भी डिज़ाइन बना सकते हो। तो पहले हमने नीचे एक लाइन बनाई है, उसके बाद हम देखिए यहाँ पर इसके आउटिंग करेंगे। तो ये देखिए, हमने बीच वाले हिस्से की इस तरीके से गोलाई की है। उसके बाद हमने जो ये पट्टी कट की है, उस पट्टी को हम निशान लगा लेंगे रखने के। ये मैंने 4 निशान लगाए हैं। तो पहले हमें निशान लगाने हैं बिल्कुल बराबर, उसके बाद हम पत्ती की आउटिंग करेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें पत्ती की आउटिंग करनी है। तो ये देखिए, हमने 4 पत्ती बना ली है। इसी तरीके से हम साइड वाले दोनों फूलों को भी तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बता रही हूँ, स्लीव्स डिज़ाइन। तो आप ये डिज़ाइन दामन पे या ट्राउज़र पर भी बना सकते हो। तो ये देखिए, हमने इस तरीके से फूल बना रहे हैं। पहले हम इसके निशान लगाएंगे ताकि हमारी पत्ती छोटी बड़ी ना हो, और फिर उसी के बीच में ये पत्ती रखकर हम चौक का निशान लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप कोई और पत्ती बनाना चाहते हो, कोई और फूल बनाना चाहते हो, तो आप बना सकते हो। तो ये मैंने देखिए कपड़ा लिया है, दोनों साइड हमने ये सिलाई से इसको जॉइन कर लिया है। तो देखिए, सिलाई इसमें हमारी लग चुकी है। अब मैं आपको बताऊंगी कि मशीन से हम किस तरीके से कढ़ाई करनी है। तो ये देखिए, हमें डोरी को इस तरीके से पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही डोरी में झोल आएगी, और बहुत ही ईजी तरीके से ये डोरी से डिज़ाइन बन जाएगा। और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लग रहा है बनने के बाद। तो जो हमने ये चौक चलाई है, उसी पर हम मशीन को चलाते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है और बहुत ही अच्छा लग रहा है बनने के बाद। तो ये देखिए, हमने इस पत्ती पर इसी तरीके से घुमाना है। अब हम बीच में की जो हमारी गोलाई बनाई थी पहले हमने, अब उस पर मशीन को इस तरीके से घुमा लेंगे। तो फ्रेंड्स, देखिए, इस तरीके से आपको झोल भी नहीं आएगा और बहुत ही ईजी तरीके से आपकी डोरी लग जाएगी और सिलाई में भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लग रहा है बनने के बाद। तो फ्रेंड्स, ये डोरी सब कलर की आती है, आप अपने सूट के हिसाब से कलर की ले सकते हो। और बहुत ही सिंपल है ये डिज़ाइन और बहुत ही जल्दी बनकर ये तैयार हो जाएगा। अब इसी तरीके से देखिए, हम दूसरी पत्ती भी बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना इजी है ये। इस तरीके से आपको डोरी के पकड़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी और डोरी अपना आप इसमें चलती रहेगी मशीन में। तो फ्रेंड्स, ये पूरा तैयार होने के बाद किस तरीके से लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, हमने दूसरा फूल भी बना लिया है और इसी तरीके से हमें ये तीसरा फूल भी बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए, 2 फूल हमारे बन चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से देखिए, अब हम तीसरे फूल को भी बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन ट्राउज़र पर भी बहुत ही खूबसूरत लगता है और ये दामन पर भी बहुत ही अच्छा लगता है डिज़ाइन। ये मैंने स्लीव्स का डिज़ाइन बनाया है। तो ये देखिए, हमारा डिज़ाइन पूरा हो चुका है और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है और बहुत ही इजी तरीका मैंने आपको बताया है। आप इस तरीके से मशीन से डोरी लगा सकते हो और आपको डोरी पकड़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी, डोरी अपने आप चलती रहेगी। तो ये देखिए, हमारे 3 फूल तैयार हो गए हैं।
तो फ्रेंड्स आप इसमें बीच में से सितारे या कुछ भी लगा सकते हो। अब हम पेपर को हटा देंगे। देखिए पेपर हटाने के बाद हम एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे इस तरीके से। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर दी है। तो फ्रेंड्स बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है और बहुत ही जल्दी बनकर ये तैयार हो गया है। तो हम ये पेपर जो लगाया है इसको हटा देंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए इस तरीके से हमने ये कटिंग कर ली है और सारा पेपर हटा दिया है। तो स्लिप्स के ऊपर रखकर हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे अब। तो ये देखिए अब हम एक सिलाई इसके पलट कर लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा बाजू का डिज़ाइन इस तरीके से बन गया है और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लग रहा है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने सितारे लगाए हैं।